हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी गेमिंग, जिसमें मैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, आपके ब्लॉग बनाता हूँ, फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग जो ब्लॉग होते हैं उनको आपके साथ बीच में साझा करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आजकल जैसे दिवाली है, नज़दीक आने वाली है, इसी बीच इनसे पहले हर जगह रामलीला का नाट्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हर जगह रामलीला दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं आपको इसी बीच में कुछ क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपका बाली सुग्रीव युद्ध और हनुमान जी का अशोक वाटिका जाना, और वहाँ पे वाटिका में तहस नहस मचाना, उसके साथ यहाँ पे सुपर्णा का जिस प्रकार नाक काटी गई, इसके बीच में कुछ यहाँ पे हास्य नाट्यक्रम भी होंगे इसके बीच में, तो आपको देखने में बिल्कुल मजा आएगा। तो इसी के साथ साथ बनी रहिए और ज़रूर देखिए इस क्लिप को, और आपको अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड आप अगर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ धन्यवाद, आगे आप क्लिप देखिए। थैंक यू। स्वामी मान जाओ, गया समय फिर वापस नहीं आता। और सनातन बोले, भाग कर जान बचाई थी, क्या अब दोबारा मोह ठिकाने में तुझे लज्जा नहीं आई? अब यह समझ ले, तेरी मौत आई है। ना जिंदा जाएगा तो मेरे थमा के नीचे तू चला या खुद आया, छुरी की धार तेरी से तो इस शेर बाबा के सामने बेअकल आया है। किया जिसने गमन, वही सर के बल आया है। तो आया किसके भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है, तेरी हस्ती मिटाने को। समझा आज तेरे सिर पर मेरी सबसे चमकेगी, नहीं शमशीर चिपकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। बातों से नहीं, दांतों से मना करते हैं, यार डंडे से नहीं, मर्मी को जाना पड़ता है।
दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तू जैसे बेअकल को अपने को बनाते हैं बेगाना। अरे ओ बाजी, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं तो मैं भी तेरी सादत के लिए खड़ा हूं। आप मरने के लिए तैयार हो जा, हो गए तैयार हो जा। अरे ये कौन सा न्याय है जिसने छिपकर मुझ पर बाण मारा। इसमें किसी का क्या दोष है, यह तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है ना तुम मेरे शत्रु हो, किंतु यतो धर्मो ततो जया। जिस ओर धर्म है मैं उसी ओर हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधु और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में
कोई पाप नहीं होता, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान होते हैं। किंतु फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूँ। नहीं नहीं नाथ, जिस गति को इसे मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके, मैं उस गति को नहीं छोड़ सकता। भगवान, मुझे अब मुक्ति दीजिए, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग नहीं करना और मेरी धर्मपत्नी तारा को धैर्य देना। माता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो कुछ दिनों की सुख के लिए भाई का वध कर दिया। माता जी, आप राजपाट अंगद को ही सौंप जाइए, मुझे राज लेकर क्या करना। भैया, इस प्रकार कदापि ना बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर बन जाओगे तो अपना प्राण कैसे निभाओगे? अपनी जान पर खेल जाना परंतु कुल पर दाग मत लगने देना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यह मेरे जीवन से देख लो, यही तो आज मेरे से अधिक बलवान कौन था। अच्छा भगवान प्रणाम। पिताजी, 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 तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? नाथ, मेरे स्वागत सिंदूर। पिताजी, आप कहाँ चले गए? आपसे कौन? पिताजी, इस
अब आगे अंगद को